आईबी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म निकले हुए लगभग 15 दिन हो चुके हैं। काफी सारे स्टूडेंट इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं और काफी सारे स्टूडेंट इस चीज का वेट कर रहे हैं कि भाई लास्ट डेट आएगी तभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करूंगा, चेक करूंगा कि भाई हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट एक्सटेंड होती है या नहीं होती है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल करेंगे। तो आप लोगों को भाई ये गलती नहीं करनी है। कहने का मतलब ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म टाइम पे फिल कर लो, टेंशन फ्री हो जाओ। आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप लोगों का पक्का है अगर आप लोगों ने भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट मैंने जो लास्ट 2-3 इयर्स में देखा है, जब से सीयूटी का एग्जाम आया है स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए हैं आईपीयू सीयूटी और सीयूटी के एग्जाम को लेके। तो यहां पे स्टूडेंट्स को एडवांटेज मिल जाती है, आप लोगों का एक चांस ज्यादा बन जाता है एडमिशन मिलने का इन कंपैरिजन टू सीयूटी कैंडिडेट्स। तो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। आप जिस भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, वेदर इट इज बीबीए बीसीए बीजीएमसी बीकॉम ऑनर्स बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके खत्म करिए इस मैटर को। आज हम समझेंगे कि भाई ऑनलाइन काउंसलिंग का जो शेड्यूल है उसके अंदर आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या स्टेप होते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर, और अपकमिंग टाइम में मैं बहुत डिटेलिंग के साथ वीडियो बनाऊंगा। बस आज मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देने वाला हूं कि भाई आने वाले टाइम में आपको किस तरीके से जो है एडमिशन प्रोसेस कंटिन्यू करना है आईपी यूनिवर्सिटी का। तो देखिए यहां पे आप लोग जब जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे अपना, 31 मार्च तक आप लोगों की जो है लास्ट डेट हो जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद। देन उसके बाद जो है काउंसलिंग का शेड्यूल इन्होंने बोला कि टेंटेटिवली अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा लॉ के लिए, और बाकी जो कोर्सेज है उनका जून के अंदर स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर बाकी कोर्सेज के लिए आप लोगों का एनरोलमेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि भाई जब इनका एनरोलमेंट स्टार्ट होगा तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो ध्यान से समझना जो चीजें अभी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यहीं पे हम लिख लेते हैं, यहां पे थोड़ा सा वाइट स्पेस बना के अपना, फाइन। तो यहां पे हम समझेंगे कि भाई क्या होता है। देखिए जब आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट होगा आईपी यूनिवर्सिटी का, ऑनलाइन काउंसलिंग जिसे हम बोलते हैं, ये प्रोसेस ही आप लोगों को एक्चुअली में कॉलेज के अंदर एडमिशन दिलाता है। तो काउंसलिंग के अंदर सबसे पहली स्टेज क्या होती है, 1000 रुपीज का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, ये आप लोगों को करना पड़ेगा। इस रजिस्ट्रेशन से होता क्या है वो चीज समझिए। आप देखिए 1500 रुपए तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के आज के डेट में भर ही रहे हैं। एंट्रेंस एग्जाम की फीस है ये आप लोगों की, ये है आप लोगों की एंट्रेंस एग्जाम की फीस। और जो स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं अपना एनएलटी वाला, उनको भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा फॉर जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन अपना आईपीसीटी के अंदर। तो 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन के जब आप अप्लाई करोगे तो आपको उस पोर्टल के अंदर मिलता क्या है, उस 1000 के बदले आप लोगों को क्या मिलने वाला है काउंसलिंग के प्रोसेस के अंदर। काउंसलिंग कोई ऐसी काउंसलिंग नहीं है जो हम किसी को देते हैं। काउंसलिंग का मतलब ये है कि आप लोगों को कॉलेजेस मिलने वाले हैं, जिस भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो उसमें मल्टीपल कॉलेजेस होते हैं, तो हर एक कॉलेज में अलग अलग जगह एप्लीकेशन नहीं फॉर्म फिल करना, आईपीसीटी के इस पोर्टल से आप उनके कॉलेजेस में पहुंच सकते हैं। तो देखिए जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करा, और यही आप लोगों का जो है ना करेक्शन विंडो होता है, ठीक है, यही आप लोगों का करेक्शन विंडो होता है। ध्यान से समझना इस चीज को जो मैं समझा रहा हूं भी आपको, यही आप लोगों का करेक्शन विंडो होता है। क्योंकि जब आप लोगों अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपसे डिटेल्स टाइम पे एडिट करने का ऑप्शन ओपन हो जाता है। आपने जैसे ही अपने डिटेल सारी की सारी फिल कर ली, आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा कि भाई इस डेट से लेके इस डेट तक आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी है। अब ये चॉइस फिलिंग क्या होती है, चॉइस फिलिंग होती है, चॉइस फिलिंग के अंदर आप लोगों को अपने कॉलेजेस की प्रेफरेंस शीट भरनी होती है कि आपके घर के पास या फिर आपकी प्रायोरिटी किस कॉलेज में जाने की पहले है। अगर एक स्टूडेंट है जो बीसीए कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो पहले क्या बोलता है कि भाई मेरे को ना एमएसआईटी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, चाहे उसकी फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे सेकंड शिफ्ट हो मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि भाई मेरे को जो है एमएसआईटी के बाद अगर मेरा कोई ऑप्शन आता है तो वो है विप्स है, उसके बाद मेरा जिम्स ऑप्शन है, आईआईटीएम कॉलेज है, इस तरीके से वो है ना अपनी प्रेफरेंस शीट दे देगा। अब एक स्टूडेंट है उसका रैंक आया है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से रैंक आया है। अब फर्स्ट रैंक के बच्चे से जब उसने चॉइसेस अपनी भरी तो उसने इस ऑर्डर में अगर चॉइस भरी है अपनी तो उसको ये वाला सीट जो है दे दिया जाएगा। अब जैसे उसके पास ये सीट चली गई तो यहाँ पे कितनी सीट थी, टोटल 60 के एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे थी 60 सीट्स। अब यहाँ पे कितनी सीट्स रह जाएंगी, 59 सीट्स रह जाएंगी, फाइन। अब सेकंड नंबर का स्टूडेंट आया, उसने भी बोला मेरे को भी एमएसआईटी मिल जाए, तो इसको भी अगर कॉलेज अलॉट कर दिया गया तो यहाँ पे कितनी सीट रह जाएंगी, 58 रह जाएंगी। ये तब तक चलेगा जब तक ये नंबर कॉलेज का जो है फर्स्ट नंबर पे पड़ा हुआ है, और मैक्सिमम जो टॉप स्कोरर्स होते हैं टॉप रैंकर्स होते हैं वो अपने चॉइसेस इस तरीके से ही फिल करते हैं। तो जब चॉइसेस फिल करेंगे तो ऑब्वियसली बात है भाई इन कॉलेजेस के अंदर कॉम्पिटिशन हो जाएगा हाई। एक स्टूडेंट अगर अप्लाई कर रहा है उसके पीछे भाई 6000 बच्चे और हैं तो क्या सबको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा? एडमिशन मिलेगा लेकिन इन कॉलेजेस में नहीं मिल पाएगा। कैसे नहीं मिल पाएगा? क्योंकि भाई उसके पास वो रैंक नहीं था जिसके बेसिस पे वो इन कॉलेजेस को एडमिशन के लिए अप्रोच कर सके। तो इस रैंक पे अगर आप यहाँ पे अगर अपने आप को टॉप रैंक में लेके आते हो, टॉप
स्कोरर बनाते हो तो आपकी जो प्रेफरेंस है वो कंसीडर करी जाती है हमेशा ही। तो इस काउंसलिंग के पोर्टल में जैसे ही आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ, लेट्स से कि आपको एक स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया ये वाला, इस कॉलेज के अलॉटमेंट के बाद आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करने के लिए बोलेंगे। मैं इसको रब कर रहा हूं तो होता क्या है, इसके बाद फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। फाइन, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, कॉलेज आपको अलॉट कर दिया गया, बोलेंगे ऑनलाइन 60,000 भाई अपने पे कर दो इस कॉलेज की फीस के लिए। ठीक है, अब स्टूडेंट बोलता है भाई मेरे को तो कॉलेज पसंद ही नहीं आया जो मेरे को अपने फर्स्ट राउंड में जो है दे दिया है, मेरे को तो कॉलेज पसंद ही नहीं आ रहा मेरे को। तो फिर वो स्टूडेंट से क्या बोलेंगे, आप अपने 60,000 तो पे करो भाई, अपने एडमिशन तो कंफर्म कराओ, हम आपको चॉइस दे रहे हैं। तो जो स्टूडेंट चाहे वो सेटिस्फाइड है या नॉट सेटिस्फाइड है तो भी उसको ये जो अमाउंट है वो पे करना है अपने इस काउंसलिंग में बने रहने के लिए। ये 60,000 रुपए आप लोगों के बिल्कुल सेफ हैं, एज इट इज आपके जो है रिफंड हो जाएंगे, एक भी रुपया नहीं कटता। ये रिफंडेबल होता है टिल द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन और राउंड ऑफ काउंसलिंग, आपके पास ये जो है अमाउंट रिफंडेबल रहता है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बस आप अपनी काउंसलिंग को अच्छे से अटेंड करो। तो जैसे ही आपने क्या करा, आपने बोला कि भाई मैं सेटिस्फाइड हूं तो 60,000 पे कर दिए, बाकी की बची हुई फीस कॉलेज में जाके भर दोगे। अगर बोलते हैं नॉट सेटिस्फाइड हूं तो भी आपको 60,000 पे करने हैं, देन उसके बाद क्या होगा, आपका पोर्टल दोबारा से ओपन हो जाएगा और आपको बोलेंगे चॉइसिस में अगर आप ऊपर नीचे कुछ करना चाहते हो तो कर लो, मतलब कि चेंजेस करने तो कर लो ताकि आपको इस राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाए। दूसरा वाला, अगर कॉलेज अच्छा अलॉट हो जाता है, जैसे कि आपको 1, 2, 3, 4, 5 ये थर्ड नंबर का कॉलेज अगर आपको अलॉट हो गया है तो यूनिवर्सिटी क्या बोलेगी, अगर आपको नेक्स्ट राउंड में सेकंड नंबर का कॉलेज मिल जाता है तो हम अपग्रेड कर देंगे, नहीं तो एज इट इज ये वाली सीट आपके पास रहने वाली है जिसमें आप लोगों का जो एडमिशन है वो डाउनग्रेड नहीं जाता इस चीज के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है, बेनिफिट भी है, और आप लोगों को ये चीज करनी चाहिए लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक सारी चीजें ट्राई करनी चाहिए ताकि आप लोगों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। तो ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस आने वाले टाइम में हम बहुत डिटेलिंग के साथ समझेंगे, अभी बस मैंने आपको बस ये बताया कि भाई किस तरीके से काउंसलिंग हो रही है, चॉइस फिलिंग हो रही है, आगे आप लोगों को कॉलेज अलॉट करे जा रहे हैं और ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। अब आपने अगर ये चीजें समझ ली हैं अच्छे से तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एप्लीकेशन बस आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक है, एप्लीकेशन जहां आपने फॉर्म फिल कर दिया आपका एडमिशन कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे यार डीयू में भी ट्राई करूंगा, एक वाली यूनिवर्सिटी उसमें भी जाकर ट्राई करूंगा, 50,000 एडमिशन के लिए अप्लाई कर दूंगा, जहां मिलेगा बढ़िया वहां पर ले लूंगा। यार देखो वो आपका राइट है, वो आप अपना करिए, जो जितने भी हमारे पास बैकअप होंगे हमारे पास एक अच्छी सी फीलिंग होगी अंदर से कि भाई कहीं ना कहीं तो मेरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको टॉप कॉलेज में पढ़ना है ना, चाहे वो डीयू का हो चाहे वो आईपी का हो, आपको टॉप कॉलेज में पहुंचने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत करिए, एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि हम अभी भी उसी टाइम में जी रहे हैं कि भाई बोर्ड्स का एग्जाम चल रहा है, बोर्ड्स का प्रेशर पहले लेना है मैंने। लेकिन ऐसे नहीं होगा, आपको एडमिशन आने वाले टाइम के अंदर आपके एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर पे ही मिलेगा, तो उसकी तैयारी आपकी होनी चाहिए बढ़िया सॉलिड। और उसके लिए आप डाउनलोड करो हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, जिसमें हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों की प्रिपरेशन करा रहे हैं। एक अर्ली बर्ड क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, वो भी मार्च के स्टार्टिंग में हो जाएगा, तो आप उसके अंदर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उस क्रैश कोर्स के अंदर हम आपको ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं, साउथ दिल्ली छतरपुर के अंदर हमारा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आप आएंगे और हमारे साथ हमारे ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ जाएंगे। 100% आपका एडमिशन होगा, चाहे सीयूटी हो चाहे आईपीयू सीयूटी हो, कंप्लीट एडमिशन की गाइडेंस, कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। अगर आप नहीं आ सकते, आपको दूर लग रहा है छतरपुर, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लास्ट ईयर भी हमारे पास जो स्टूडेंट आए सबको अच्छे टॉप कॉलेज में एडमिशन मिला है, मैं चाहता हूँ कि इस साल भी आप हमारे साथ जुड़े और एक अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन सिक्योर करें। आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली है, आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ से मिलने वाली है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चित्रके एजुकेशन कॉन्टेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।